प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित, कहा वैक्सीन को लेकर दुनिया देख रही है भारत की ओर। आज नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी नौसैनिकों और उनके परिजनों को बधाई, कहा तटों की रक्षा करने वाले नौसेना जरूरत के समय मानवीय सहायता के लिए हमेशा तत्पर। रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से विकास दर के सकारात्मक होने की जताई उम्मीद। प्रदेश में आज 1,934 कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आए, 3,141 मरीज हुए स्वस्थ। उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को देश के वरीयता सूची में मिला 21वां स्थान, कुलपति डॉ. नरेंद्र सिंह राठौर ने कहा आने वाले सालों में विश्वविद्यालय का स्तर उठाया जाएगा और ऊंचा। भारतीय किसान संघ ने कहा एक देश एक बाजार किसानों के हित में, नए कृषि कानून से किसानों के लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रदेश में पंचायत चुनावों का चौथा चरण कल, अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को किया गया रवाना। पाली में आज 17 पाक विस्थापितों को दिए भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र, 7 वर्ष पूरे होने पर और 72 लोगों को दी जाएगी नागरिकता। कोटा के सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू पुलिस ने 2 ट्रकों से डोडा पोस्ट और अफीम जब्त कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार, मादक पदार्थों की कीमत करीब 25 लाख रुपए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग, 2 बच्चों सहित एक महिला की हुई मौत। भरतपुर में किन्नरों ने की अनूठी पहल, सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया आयोजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हराया। खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा की लागू, थोक में 25 मैट्रिक और खुदरा में 2 मैट्रिक टन ही प्याज रख सकेंगे व्यापारी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में हुई बढ़ोतरी, सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में, वहीं न्यूनतम तापमान सीकर में दर्ज किया गया।